मुख्य बात क्या है, पहली बात यह कि जब हम कहते हैं नवनिर्माण में कन्याओं की भागीदारी, तो कन्या है, प्रश्न उठता है तो कन्या है, छोटी बच्चियां हैं भाई, अभी ये क्या करेंगे नवनिर्माण में, क्या इनका उपयोग है या इनकी क्या भागीदारी हो सकती है। यदि हम ऊपरी तौर से देखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो विशाल वृक्ष बनता है उसका बीज बहुत छोटा होता है, उस बीज को ही जो भी शोधित किया जाता है या उसकी जो तैयारी की जाती है वो आरंभ में ही की जाती है, उसी प्रकार से जो उनको बनाने की बात है वो आरंभ से ही होता है। अभी जो विषय आपके सामने रखा गया उसमें आपने ध्यान दिया होगा, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है बनना और दूसरा होता है दिखना। ये बनना और दिखना है दोनों का जो अंतर है, ऊपर से तो कुछ समझ में नहीं आता इतना खास, लेकिन वास्तव में वो जमीन आसमान जितना अंतर है दोनों में। तो जब हम कहते हैं नवयुग का निर्माण करने में भागीदारी, चाहे वो बच्चियों की हो चाहे हमारी अपनी हो, तो दिखने से कुछ नहीं होता, वो बनने से होता है। हमें तैयारी करने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो स्वयं को बनाने में या स्वयं बनने में जितना सक्षम हो पाता है या जितना वो सफल हो पाता है, उसी अनुपात में दूसरों को बनाने के लिए प्रयत्न करने में भी वो सफल हो पाता है। सामने वाला कितना बन पाएगा ये हमें नहीं मालूम, ये उसके अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध और भी वातावरण का प्रभाव, जिस परिवेश में वो रहती है बच्ची उसका प्रभाव, बहुत सारी बातें होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे करने से 100% प्रभाव पड़ेगा या पड़ना चाहिए तब तो हमारे करने का कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन हम भी स्वयं जो करेंगे, करना चाहते हैं, उसमें ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम स्वयं कैसा बनना चाहते हैं, और वहीं से बात आरंभ भी होती है और इसी पर अंत तक टिकी रहती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम बच्चियों को क्या सिखाएं, क्या बताएं। अब आपने एक दिवसीय शिविर किया, मान लीजिए एक दिन का शिविर किया, चार लेक्चर आपके हुए, कौन कौन से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर क्या होंगे। एक दिन का शिविर आप कर रहे हैं, आपके पास में 4 से 5 घंटे का समय, परिषित व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र बहनों के लिए एक, दूसरा उनका स्वास्थ्य, जनरल स्वास्थ्य, समय बचा तो थोड़ा नारी स्वास्थ्य को जोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि पीपीटी दिखाएं आप नारी स्वास्थ्य का, आप सिंपल तरीके से उनको मेंसेस के बारे में और ये कुछ कुछ जो बहुत जरूरी चीजें होती है उसके बारे में आप समझाई दे सकते हैं, ये दो हो गया। तीसरा, चूंकि वो विद्यार्थी वर्ग की रहती है तो बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि जरूरी है लेना, और उसमें तमाम प्रकार की सारी गायत्री मंत्र, महामंत्र की महिमा, साधना, ये सब भी आता है, प्राणायाम वगैरह आता है, तो भरपूर उसमें इतना इतना मैटर है कि आप उसमें सब समझा सकते हैं और वो विषय उसमें आ जाते हैं, इसलिए ये विषय बहुत जरूरी है। जिसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें ये भी आ जाएगा, एकाग्रता कैसे बढ़े ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये छोड़ना नहीं है और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और ये विषय जो है वो यूट्यूब में है, आप उसमें से ले सकते हैं। और एक ब्रह्मचर्य साधना वाली क्लास है, तो ब्रह्मचर्य साधना वाली क्लास में ही आप ये फैशन वाली बात को मिला करके काफी कुछ उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये एक एक दिन में एक एक विषय लिया, और वास्तव में विषय ऐसा है कि इसमें 1 घंटे का समय देना चाहिए, 45 मिनट से 50 मिनट से 1 घंटे का समय इसमें दिया जा सकता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसको अलग अलग किया गया। लेकिन अगर हम एक ही दिन का शिविर रखते हैं, यदि हमारा शिविर मात्र एक दिन का है, तो एक दिन के मात्र शिविर में हम सारे विषय पे एक एक घंटे का समय तो दे नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें से कट करके दूसरे की सामग्री को इसमें जोड़ करके, जिस प्रकार से वो ऑड भी ना लगे और उसके साथ में उसका सामंजस्य बैठ जाए, उस विषय की प्रस्तुति करनी पड़ेगी, उसे मित्रता वाली बात भी आ जाएगी। ब्रह्मचर्य साधना वाली क्लास जो आप लेंगे, फैशन वाली बात भी आएगी, मित्रता वाली बात भी आएगी, विवाह वाली बात भी आएगी, जीवन ऊर्जा को सुरक्षित रखने वाली बात भी आएगी, ये सारी बातें उसमें आ जाएगी। अब ये कैसे करेंगे, यही हुनर तो होना चाहिए आप में, आप लोग स्वयं मेहनत करिए और जो 3 बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको मिला करके आप 1 घंटे का एक बनाइए। आप में से हर बहन जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं वो ये कोशिश करें, ये हो गया। और अंत में बच्चों से संकल्प कराना है, तो संकल्प कराने से पहले कुछ कुछ बातें करनी है कि बाल संस्कार शाला में वो क्या कर सकती हैं, एक फिर वो स्वाध्याय मंडल बना सकती हैं,
जैसे कि देखिए अभी अभी की बात है, एक दिवसीय शिविर लगा था, गए थे आप गए, सपोज आप गए, 6 गांव से बच्चियां आई हैं, एक एक गांव से 10 10 15 15 20 20 ऐसे बच्चियां बैठी हैं आपके सामने, ठीक है। अब आप उनको बस सिंपली पूछ लीजिए, बेटा कौन कौन से गांव से हैं? हाँ 5 गांव से। कौन कौन से? इस गांव से कितने? इतने। इस गांव से कितने? इतने। इस गांव से कितने? इतने। अच्छा, तो अब ये आपका काम है कि आप आज जो कुछ भी सुने हैं उसको सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए आप लोग ग्रुप बना करके बैठेंगे। बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? बच्चियां बोलेंगी बैठ सकते हैं। बैठ के क्या करेंगे? बैठ के यही करेंगे कि आपको कुछ हम किताबें देते हैं, उन किताबों का वाचन करिएगा, 24 गायत्री मंत्र करिएगा, यदि आपका कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र करिए, अन्यथा आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, करिए, और ये किताब पढ़िए, स्वाध्याय मंडल आप चलाइए, आपकी बुद्धि भी विकसित होगी, ज्ञानवर्धन होगा और आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा, और आप सब लोग एकजुट होकर के, आपके एक विचार हैं चूंकि, इसलिए आप एक जगह एक दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालिए, केवल सप्ताह में एक दिन, ये स्वाध्याय मंडल बन गया। इसके लिए उन बच्चियों को आप मानस बनाइए, उसी के साथ में 2 लाइन उनको बोलिए, आज दिन भर की क्लास आपको कैसी लगी? बोलेंगे बहुत अच्छी लगी। तो बेटा आपको बहुत अच्छी लगी तो बताइए, आप इतने बड़े हो गए हो, आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो, आप कॉलेज वाली बच्चियां हो, आपके और जो छोटे भाई बहन हैं, ऐसी बच्चियां हैं, क्या उनको इस ज्ञान की जरूरत नहीं है? बोलेंगे हैं। तो कितनी जरूरत है? बोले बहुत जरूरत है। तो उनको भी इस चीज को बांटना है, संस्कारवान बनाना है, उनको भी इन बातों का ज्ञान कराना है, उनको सही रास्ते पर ले जाना है, तो क्या कौन करेगा? करना जरूरी है, हाँ जरूरी है, कौन करेगा? बोलेंगे हम करेंगे। कैसे करोगे आप कैसे करोगे? कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तो फिर वो आपका मुंह देखने लगेंगे, तो आप उनको बताइए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो सप्ताह में एक दिन संडे के दिन, जिस दिन आपका स्कूल कॉलेज नहीं रहता है, 2 घंटे के लिए मात्र आप अपने ही गांव में, अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, 20-25 बच्चों को लेकर बड़ी आसानी से उनके बीच में एक बाल संस्कारशाला की विधा है, कहते हैं, वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ खास ऐसा भी नहीं बताना है कि आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है, यही योग व्यायाम ध्यान करना आपको सिखा देंगे, कहानी सुनाना, बच्चों को खेल खिलाना, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला, कैसे अच्छी पढ़ाई करें, कैसे एकाग्रता बनाए, जैसे आज आपको सिखाया, इसी प्रकार से बातें आपको रखनी छोटे बच्चों के बीच में, आप तो उनकी बड़ी दीदियां हैं, ये काम कर पाओगे क्या आप? यदि आप हमारी बातों से सहमत हो तो आपको हम 2-3 घंटे के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे, आपको ये मार्गदर्शिका है हमारे पास में, जो उस मार्गदर्शिका को उपलब्ध भी कराएंगे, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ये काम बहुत बड़ा ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत सारा समय देना पड़ रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि आपकी प्रतिभा बहुत विकसित होगी। और हमारी पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जब ये काम किया तो करने के बाद में एक नंबर वाले, एक नंबर के विशेषज्ञ बन गए मनुष्यों के, और प्रशिक्षक बन गए, ढेर सारे योग युवतियां इस प्रकार से, आप शानदार तरीके से आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे, आप अपनी बातों को कहीं ऑफिस में, कहीं ऑफिसर के सामने, किसी दूसरे के सामने अच्छे तरीके से रख पाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप में नेतृत्व कला का विकास होगा, व्यक्तित्व कला का विकास होगा, ये सबसे ज्यादा फायदा तो आपको होगा। संस्कार शाला में जो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे उनको न जाने कितना फायदा होगा, वो तो बात की बात है, पर सबसे ज्यादा फायदा तो आपको होगा, और साथ साथ आप लोग कितनी सारी बातें सीखेंगे। आज जो है वो तो ट्रेलर था, आज जो 4 घंटे की क्लास आपको, आपके सामने जो दी गई वो तो ट्रेलर था मात्र, लेकिन आप 10 गुना ज्यादा बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाते हुए सीख पाएंगे, तो बताइए ये सही रहेगा क्या? इस तरीके से बोल करके उनका मानस बनाना है, उनको प्रेरित करना है, और क्लास चाहे आपने एक दिवसीय कन्या शिविर लिया है तो भी, चाहे आपने 2 दिवसीय कन्या शिविर लिया है तो भी, चाहे आपने 5 दिवसीय कन्या शिविर लिया है तो भी, कुछ भी आपने लिया है, लेकिन उसमें ये सारी बातें जो है इंक्लूड होना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को सेवा संबंधी काम में लगाया जा सके। ये शुरुआत इस प्रकार से आप एक ग्राउंड बनाइए उनको अपनी बातों को मनवाने का, एक बात हुई। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, आज की क्लास के संबंध में जो ये फैशन बनाम सौंदर्य बोध, ये जो था सौंदर्य बोध बनाम फैशन, तो आप एक किताब देखिएगा, आवासीय व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर, जो 6 दिवसीय आवासीय युवा शिविर की किताब होगी,
उसमें एक विषय है धन का अपव्यय एवं फैशन परस्ती। ये धन का अपव्यय एवं फैशन परस्ती में आधा हिस्सा जो है वो धन का अपव्यय के ऊपर है और आधे हिस्से में फैशन परस्ती है। और उसके उसको एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटी भी बना हुआ है, और आप लोग अपने शिविर जो लोग लगाते हैं, जो बहनें निकलती हैं शिविर में, वो इसको दिखाते भी होंगे, तो आपको पता होगा। धन का अपव्यय एवं फैशन परस्ती एक ओछापन, ये विषय का नाम है। उसमें काफी कुछ है, इसकी पीपीटी बनी हुई है, उसके आधार पर आप लेक्चर कर सकते हैं और उसको कुछ जोड़ सकते हैं इसी के साथ में, तो ये बहुत शानदार बन जाएगा। फैशन क्यों करते हैं, मतलब एक होता औपचारिक तरीका, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चे तो हमारे सामने है नहीं और ये प्रशिक्षण है, लेकिन जब आप बच्चों से रूबरू होते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आपकी भाषा, आपके बोलने का तरीका, उनको एड्रेस करने का तरीका रहेगा। तो आप इसको YouTube में भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से YouTube में होगा, होना चाहिए, जहां तक नहीं भी होगा तो कभी इसको ला सकते हैं, पर आप इसको किताब में जरूर इस मैटर को देखिए तो आपको एक नया आइडिया आएगा। दूसरी बात, इसके साथ जो जुड़ी हुई बातें, वो एक दिवसीय शिविर में क्या क्या करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूं। स्वाध्याय मंडल बनाना, कोई स्वाध्याय मंडल बनाना, बाल संस्कार शाला चलाने के लिए उनको प्रेरणा देना। यदि उस क्षेत्र में बाल संस्कार शाला चल रही है तो आप उन बच्चियों को सहयोग करने के लिए उनके साथ जोड़ दीजिए, ताकि वे उनको देख करके भी सीखे और उनका सहयोग लिया जा सके, एक। और या वे उनको, यदि आपने प्रेरणा इस तरीके से दी है कि वो प्रशिक्षण लेने को तैयार हैं, तो जितना जल्दी हो सके इस शिविर के पश्चात, यदि एक दिवसीय दो दिवसीय शिविर है तो बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण तो साथ साथ नहीं कर पाएंगे, तो एक सप्ताह बाद उनको बाल संस्कार शाला का विधिवत प्रशिक्षण दे दीजिए, 3-4 घंटे के लिए उनको इनवाइट कीजिए। 100% बच्चियां नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम 25 से 30%, 40% बच्चियां जरूर आएंगी कुल संख्या का। और प्रत्येक गांव या प्रत्येक एरिया जहां से बच्चियां आई हैं, तो वो जरूर वहां संस्कार शाला चलाने लायक प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाएंगी, तो हमारा काम चल जाएगा ही। तो उनको नया प्रशिक्षण दे करके नई बाल संस्कार शाला खुलवाई। और अगली बात, जहां भी जाएं, तो आप जब जाएंगे कन्या शिविर के लिए, चाहे एक दिन के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, चाहे 5 दिन के लिए हो, आप भरपूर साहित्य ले जाइए। कैसा वाला साहित्य, जिन विषयों को हम उनको पढ़ा रहे हैं, मतलब शिविर के जो विशेष विषय हैं, उन विषयों से संबंधित पॉकेट बुक हो सकता है, बड़ी बुक हो सकती है, वो बुक्स आप जरूर लेकर के जाएं। अब यहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि इस बुक्स को लेंगे कहाँ से, कौन पैसा देगा, कहाँ से आएगा, फाइनेंशियली आपको लगेगा। तो आप अपने क्षेत्र में जो दानदाता हैं, जो लोग हैं, या आपके यहाँ जो मंडल में पैसा आता है, उसका एक हिस्सा आप इसमें लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं से भी अपील कर सकते हैं, आप अपने जेब से भी कुछ लगा सकते हैं, जो बन पड़ता है सो कीजिए। लेकिन बिना साहित्य के बच्चों के बीच में जाना और वहां से बस व्याख्यान देकर के लौट जाना, ये उतना सार्थक नहीं हो पाता। तो आप जरूर ये साहित्य लेकर के जाइए, और अगर ग्रुप बन रहा है तो ग्रुप को साहित्य का एक 10-15 साहित्य का बंच भी उनको दीजिए। व्यक्तिगत रूप से तो बच्चों को बांटिए, अलग बात है, लेकिन ग्रुप में उनको आप दे सकते हैं। फिर यदि आपकी पैठ उस स्कूल में अच्छी है, मतलब वहां के शिक्षक और वहां के प्राचार्य, इन लोगों से यदि आपकी अच्छी पहचान है, लगता है कि ये लोग हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे के लिए मैं बताऊं आपको, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, आप में से बहुत सी बहनों को, जो जागरूक बहनें हैं, सुनी होंगी, उनको याद भी होगा, सात आंदोलन की प्रदर्शनी जरूर दिखाइए उनको। सात आंदोलन की प्रदर्शनी कैसे दिखाएंगे, यदि आप ऑनलाइन चाहते हैं तो आपको मेल कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है, क्योंकि सब जगह प्रोजेक्टर तो नहीं रहता, फिर आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इसका इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए, छोटी साइज की। छोटी साइज मतलब 2x2.5 की साइज, 2x2.5 फीट की साइज का फ्लेक्स, छोटा छोटा ही होता है, आसानी से हाथ में आ जाता है, रख रखाव सुविधा होती है। आप सात आंदोलन में से चुनिंदा, कम से कम संख्या में, 30-40 की संख्या तो होनी चाहिए, क्योंकि सात आंदोलन है, उसमें उपासना संबंधी भी रहेगा, स्वाध्याय संबंधी भी रहेगा, वृक्षारोपण रहेगा, बाल संस्कार शाला रहेगा, उनके चरित्र निर्माण की बातें रहेंगी, उनमें नारी जागरण रहेगा। सात आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं,
जो उनके ऊपर लागू होती है, ये सारी चीजें। तो ये यदि आप फ्लेक्स दिखा दिखा करके उनको जागरूक करते हैं तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो आप उनको प्रदर्शनी दिखाने की भी बात करिए, और वहां पर जरूर प्रदर्शनी दिखाने की व्यवस्था बनाइए। प्रदर्शनी दिखाना एक, और साहित्य प्रचार प्रसार करना, साहित्य से उनको रूबरू कराना इस प्रकार से। फिर आप बच्चों को किसकी प्रेरणा देंगे, ये सब क्लास के अंत में, मतलब शिविर के अंत में 15 मिनट कम से कम आपका रहेगा, जिसमें आप धुआंधार आंख में आंख डाल करके उनको हिप्नोटाइज करते हैं, जैसे इस तरीके से करके ये बातें करती, विवरणात्मक नहीं करनी है, खट 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 मैं अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन आपका जो तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए जिससे उनको लगे कि आज दिन भर जो हमारे लिए मेहनत किया गया वो उसका जो सार है, सारांश है, वो यही है कि अभी जो बताया जा रहा है, और वो उसके प्रति जागरूकता दिखाएं, उसको माने। तो अगली बात मैं क्या कह रही हूँ, उनको आप जब व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र बताते रहेंगे तो उसी में आप चार संयम तो बताएंगे, आप इंद्रिय संयम, धन संयम, समय संयम, विचार संयम भी जरूर बताएंगे। आप उनको संस्कारों के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। आप कहीं ना कहीं उनके लिए पहले ही सोच लीजिए कहाँ पर जोड़ेंगे उनको, जन्मदिन संस्कार जरूर जोड़ करके बताइए, जन्मदिन संस्कार। और किसी का जन्मदिन है तो जैसे बाल संस्कारशाला में घड़ी देख करके 10 मिनट के लिए मनाते हैं, मतलब वो एक डेमो होगा, डेमो कीजिए। ऐसा नहीं कि उसी में मगन हो गए और बधाई गीत गाने लग गए और तमाम प्रकार के हथकंडे वो फिर आधा घंटा लगा दिए। ये अगर ऐसा आप नियंत्रण में नहीं रख सकते तो फिर मत करिए, वही अच्छा है। लेकिन यदि 10 मिनट में आप डेमो दिखा सकते हैं इस उद्देश्य से कि इन बच्चों को डेमो देख करके समझ में आए, ताकि ये घर में प्रतिवर्ष अपना और अपने भाइयों बहनों का जन्मदिवस मनाए वैदिक रीति से दीपक जला करके, तो आप ये डेमो जरूर करिए और उनको संकल्पित कराइए कि हम इसी प्रकार से दीपक जला करके वैदिक रीति से जन्मदिन मनाएंगे, और हम केक काट करके प्रदर्शन करके जन्मदिन नहीं मनाएंगे, मोमबत्ती को फूंक करके शगुन के रूप में, या जो एक आ, आ, क्या कहना चाहिए कि केक खाएं, काटेंगे तभी तो केक खाएंगे, कैसे खाएंगे कैसे उसको, लेकिन उसको एक एक तरह से एक तरीका ही उनका होता है, पद्धति। जन्मदिन तब तक नहीं मनेगा जब तक कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाएंगे नहीं, और केक को सबके बीच में काटेंगे नहीं, और जब तक दिया बुझाएंगे नहीं, मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, तब तक नहीं हो सकता। तो ऐसा ना हो, तो उनको प्रेरित करिए कि बेटा आप सब लोग जन्मदिन जरूर मनाइएगा, और जन्मदिन में पेड़ लगाना और दूसरों को भी पेड़ गिफ्ट करना। तो पेड़ कहाँ से गिफ्ट करेंगे दूसरों को, तो अपने घर में ऐसे छोटे छोटे पॉलिथीन में कम से कम पूरे साल भर के लिए, अरे 25-30 से कुछ आम के, जामुन के, नीम के, सीताफल के ऐसे डाल दीजिए, पौधे बना दीजिए उसके, जैसे अपन थरहा डालते हैं उस प्रकार से गांव में, तो ये सब प्रचलन में रहता ही है। तो जो भी हम खाते पीते हैं उसका बीज इकट्ठा कर ले, उसी को मिट्टी में ऐसी फेंक दें, वो अपने आप उग जाएगा, उसी को पॉलिथीन में मिट्टी डाल करके लगा दें, और उसी को सुंदर ऊपर से एक पेपर में रैप करके उसी को आप जब किसी के जन्मदिन में जाएंगे या किसी के संस्कार में जाएंगे, कोई अच्छा दिन होगा, किसी ने एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स लिया, तो आप उसको गिफ्ट कर दीजिए। ये उनको प्रेरणा देनी है, तो पेड़ लगाना है और दूसरों को पेड़ गिफ्ट करना है इस प्रकार से। और साप्ताहिक स्वाध्याय करने के लिए उनको बोलिए कि सप्ताह में एक दिन वो बैठेंगे और आपस में मिलजुल करके स्वाध्याय करेंगे इस प्रकार से। तो नियमित साधना करना, नियमित स्वाध्याय करना, फैशनबाजी से दूर रहना, आपस में संगठित होकर के सप्ताह में एक दिन मिल करके बैठना, और जन्मदिन मनाना अपना भी, अपने भाइयों बहनों का, अपने और दूसरों के लिए भी, पेड़ लगाना, दूसरों को गिफ्ट करना, ये छोटी छोटी चीजों के लिए, और बाल संस्कार शाला चलाना, इसके लिए प्रेरणा देना जरूरी है। इसी माध्यम से उनका जो नियोजन है या उनकी जो भागीदारी है वो नवयुग के निर्माण के लिए आरंभिक स्तर पर हो सकती है। और जो बच्चे, यदि आपने 5 दिन का या 3 दिन का शिविर लगाया है, तो आप योग भी उनको सिखाएं, इसका मतलब, तो जब योग सिखाएंगे तो उनको इस बात के लिए भी संकल्प कराइए कि बेटा आपने जो योग सीखा उसे दूसरों को भी सिखाना है, अवश्य ही दूसरों को सिखाना है, उसके लिए भी संकल्प कराइए। इस तरीके से हम अपनी बच्चियों को नवयुग के निर्माण के लिए नियोजित कर सकते हैं, उनके सामने बता सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ
कि ये बातें हमारी बहनें ध्यान रखेंगी, और चाहे जैसा भी हो, और आज आप इस तैयारी से आई होंगी, जैसा कि पहले निवेदन किया था आप लोगों को कि इस शिविर के प्रशिक्षण के पश्चात हम क्या करेंगे। तो करने की प्रक्रिया तो चल रही है, शुरू से ही चल रही है, लेकिन फिर भी संकल्पित होकर के आप कितनी जगह, कितने दिन का शिविर लगाएंगे, कौन आपकी टीम होगी, इन सबके संबंध में आप लोग सलाह मशविरा कर लिए होंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अलग से बता सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ अगला जो बुधवार आएगा जिसमें बैठेंगे, उसमें आप लोग अपनी इस योजना को लेकर के आइएगा। आज आप चैट बॉक्स में लीजिए, लिख दीजिए, इतना ही बहुत है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करती हूँ इस आशा के साथ कि ये कन्या कौशल शिविर का, जो हमारी बहनों के बीच कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर था, ये आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा, हुआ होगा, और आप लोग इसको जरूर इसकी उपयोगिता को समझते हुए इस्तेमाल करेंगे, इसको यूं ही जाया नहीं करेंगे। अपनी बात मैं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद, प्रणाम। और आदरणीय भैया जी हमारे बीच आ चुके हैं, आदरणीय राठौर भैया जी, उनका मार्गदर्शन की प्रेरणा हम सबके लिए जीवन संजीवनी होती है। तो मैं बल्कि निवेदन करती हूँ भैया जी से, रुक्मणी बहन, जी, बहुत सभी बहुत दीदियों को प्रणाम। धन्यवाद दीदी। अभी जो दीदी ने कहा हमें कि नवयुग के निर्माण में हमारी आने वाली कन्या, अभी जो कन्याएं हैं जो आगे चलकर के नारी बनेंगी, उनकी क्या भूमिका है, बहुत सारी बातें बताई हैं। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों को हमारी